सो गाइस हम लोग नीचे की ओर प्रस्थान करने वाले अभी, एंड यहाँ पे हम लोग सनराइज़ के लिए रुके थे। हमने टाइम लैप्स चालू भी किया था और जैसे ही टाइम लैप्स बंद किया वैसे ही सनराइज़ हुआ। अभी जाएंगे रिटर्न और सच्ची में बोलूँ तो नींद आ रही है और यहाँ पे इतनी खतरनाक वाली हवा चल रही है। वाज द ट्रैक वर्थ? खतरनाक नाइट ट्रैक मस्त था। इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है लेकिन रिस्की है, बहुत रिस्की है, तो संभल के आना चाहिए और थोड़ा और सेफ्टी और प्रोवाइड किया होता तो अच्छा रहता। रेलिंग वगैरह वो चाहिए। अगर आपको डर लग रहा है तो यहाँ पे आने से पहले वो उसको पूरा ख़त्म करो। चढताना मी प्रश्न विचारतो, हे कधी चढले असतील आता उतरतात? हा ना, आज आपल्याला विचारतात।
धीरे 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 थोड़ा 5 मिनट। हमने अभी सारा डिफ़िकल्ट पार्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया है। एंड बहुत से लोग हैं, क्योंकि आज है संडे तो बहुत से टूरिस्ट लोग जा रहे हैं अभी भी ऊपर। हम लोग ने रात को ही टॉप कवर कर लिया और अभी सनराइज़ के बाद हम लोग नीचे आ रहे हैं। आते वक्त कुछ भी फील नहीं हुआ कि इतना डेंजर है या इतना रिस्क है, बट चढ़ते वक्त बहुत फील हुआ था, क्योंकि एक तो अंधेरा था एंड नेक्स्ट इज़ कि प्रैक्टिस नहीं है ज़्यादा मुझे। हाँ जो है वो है। आरा मत गुहा क्या दिखेगा। सो ऑलमोस्ट डन, हम लोग अभी 50% आ चुके हैं नीचे। एंड हम लोग ने ये जो हमारी जर्नी थी, हमने ये नीचे से ऊपर तक 5 घंटों में की, 5 या 6 घंटों में आफ्टर टेकिंग ब्रेक्स। हमने 1 बजे स्टार्ट किया था नीचे से और हम लोग प्रबलमाची पहुँचे 2:30 बजे। एंड उसके बाद फिर हम लोग रुके, ब्रेक लिया, ब्रेकफास्ट किया एंड ऑल चिल वगैरह किया। उसके बाद हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अभी जाए या सनराइज़ के बाद जाए, क्योंकि जो रात में एक्चुअली अलाउड भी नहीं है। एंड बेसिकली जो स्टेप्स आपने देखे ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अचीव किया है। तो इट वाज एन थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, सुपर्ब एक्सपीरियंस एंड एक मेमोरी बन गई लाइफ टाइम के लिए। हमको ये विलेज से ऊपर जाने तक ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा था, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, वो भी ब्रेक लेने के बाद। एंड द बेस्ट थिंग इज दिस, मोस्टली हर स्पॉट पे ऐसे आपको डस्टबिन मिलेंगे, सो प्लीज़ पुट योर एनी वेस्ट लाइक बॉटल्स पैकेट्स नेट। नक्की आम्ही सोबतच आहे। हे खरं आले होते का गेले होते? हा आम्ही रात्रीच चढलो ना। सनराइज वरूनच बघितलं मस्त मस्त। चलो हम लोग अभी अल्टरनेट रूट या बोल सकते शॉर्टकट रूट हम लोग वहीं से जा रहे हैं, श्रेयस बैठ गया क्योंकि प्रतीक के पास है सैंडल एंड उसके वजह से वो थोड़ा डर रहे। आज का मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरी बन चुका है एंड इट वाज थ्रिलिंग सुपर्ब एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेयर्स थे ना वो एकदम सीधे सीधे थे, मतलब नॉर्मल स्टेयर्स बिल्कुल भी नहीं थे। हम लोग अंधेरे में ऊपर भी गए, सनराइज़ के बाद तुरंत नीचे भी आए एंड एवरीवन इज़ आस्किंग लाइक आप जाके भी आ गए इतने जल्दी, सो वी आर फीलिंग प्राउड। यस, हमने कर दिया। ओवरऑल मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, माउलीगढ़ से तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला। एंड ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं था जितना माउली था चढ़ते वक्त, और उतरते वक्त तो फील भी नहीं हुआ बिल्कुल भी कि हम लोग इतना स्टीफ उतर रहे हैं। मस्त था, दो नए एक्सपीरियंस, एक तो नाइट ट्रैक और ऊपर से वो रोप वाला क्लाइंबिंग। हाँ वो नए थे दो चीज़ें, मस्त मज़ा आ गया। एडवांटेज यही है कि नया एक्सपीरियंस मिला, नई मेमोरी मिली, और डिसएडवांटेज यही है कि हम लोग की नींद कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उसके वजह से बीच में बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी 5 बजे के आसपास। बट अभी फ्रेश लग रहा है फिर भी, क्योंकि अभी डेली रूटीन जो है अपना सुबह उठ के जो भी हम लोग काम पे लगते हैं तो उस हिसाब से अभी नींद नहीं आ रही है।
पीस। अरे ये लो ये डायरेक्ट घसरगुंडी झाला। सो फाइनली हम लोग कार के पास पहुंच चुके हैं। रात को 1 बजे स्टार्ट किया एंड इट्स 9:41 राइट नाउ, एग्जैक्ट 9:41। सो फीलिंग हैप्पी, फीलिंग प्राउड एंड एक्सपीरियंस हुआ एक नया, और एक नई चीज़, नया ट्रैक, नया फोर्ट एक्सपीरियंस किया हम लोगों ने। इट वॉज अ थ्रिलिंग एक्चुअली। यू गेट लॉस्ट, यू आर टायर्ड। खोपड़ी फोड़ सा लेगा।